सब तो पहला सारे मीडिया के साडे साथी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जिन्ने भी मंच जिन्हां तुसी रीप्रजेंट करते हो लुधियाणा दे विच तुहाडा स्वागत है। अज आम आदमी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी ते देश की राजनीति की दशा ते दिशा बदलन वाले देश दे सब तो वध लोकप्रिय हरमन प्यारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी वो तुहाडे दरम्यान कुछ जरूरी ऐलान करन आए ने। साडे दरम्यान विरोधी धिर दे नेता हरपाल चीमा जी पंजाब दे प्रभारी जरनैल सिंह जी सह प्रभारी राघव चड्डा जी इत्थे मौजूद ने। कल भी साड़ी व्यापारियों नाल मीटिंग हुई सी उत्थे भी गल चली सी कि आम तौर पर जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां ने वो ड्राइंग रूमां दे विच बह के अपने मैनीफेस्टो तैयार कर लैंदियां ने, उन्हां नूं जिहड़ा मैनीफेस्टो है उन्हूं आम लोग भी हुण झूठ दा पलंदा कहण लग गए। कर कर नौकरियां दे वादे हो जांदे ने, करजे माफिया के वादे हो जाते ने, समार्टफोना के वादे हो जाते ने, तो सिर्फ लिखे लिखाए मतलब लिखा होया झूठ उनू मन्या जान लग गया। पर आम आदमी पार्टी ड्राइंग रूमा च ना तो पैदा हुई है, पैदा भी रामलीला ग्राउंड के एंटी करप्शन अंदोलन चो हुई है, तो ना ही असी बंद कमरा मीटिंगा करके मैनीफेस्टो बनाने हैं। आम लोगों जाने किसान का मैनीफेस्टो बनाने तो किसानों गल करते हैं, व्यापारियों का मैनीफेस्टो आऊगा तो व्यापारियों का दे गलबात करके उन्हों समस्यावान, क्योंकि जिन्हू दुख हों उ सब तो वह दुख में दस सकता कि कि नबज़ कि रग मेरी ज़्यादा दुखती है। मैं बतौर एम पी 7 साल हो गए, तुसीं हैरान हो जाओगे कि संगरूर दे विच्चों लगभग हरेक महीने दे विच अंदाजन कहना मैं 30 तो 40 मेरे कोले इहो जिहे बंदे आउंदे ने गंभीर बीमारियां दे शिकार, कोई कैंसर है, किसी दियां अखां दी निगाह जाण वाली है, किसी दा कोई थैलेसीमिया का कोई मरीज है, कोई बहुत सारे ऐसे आते ने, वो ये कह आते हैं साडा दिल्ली तो इलाज करा दो जी। असी रिकमेंड कर दें, सतेंद्र जैन जी साढ़े उत्थे सेहत मंत्री ने उन्होंने गल करके कि गरीब बंदे ने जी भेजन लगे तो को इलाज करा दो, वह 20-25 दिन बाद इलाज करा के ठीक हो के फिर दोबारा आते हैं, असं हूँ ठीक हो गए जी। ते नालो ये भी कहिंदे ने कि यह जिहड़ा इलाज साडा होया दिल्ली बहुत वधिया होया जी, बड़ा वधिया उत्थे हस्पताल, बड़ा वधिया सानू माहौल मिलिया, ये पंजाब च क्यों नहीं हो सकता जी। फिर साडा जवाब यही हुंदा कि जो चंगी नीयत वाली सरकार आ गई ये पंजाब च भी होण लग जूगा। सानू दिल्ली रिकमेंड नहीं करने पैणगे, सानू बीकानेर कैंसर ट्रेन दे विच सवारी नहीं करनी पेगी, सानू इधर उधर कितने होर इलाज वास्ते नहीं जाना पेगा, इत्थे इलाज वधिया सस्ता मुफ्त। तो तुसी यकीन करो
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਲੈਡ 'ਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਨੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੁਨਾਮ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਾਣ ਸਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ PGI 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਹਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ PGI ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ PGI 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ PGI 'ਚ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰਫਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ, ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ, ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ, ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਭ ਕੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਆਜ ਸੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਕਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ। ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਕੀ ਗੰਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਨਕਾ ਨੇਤਾ CM ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਮੇਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਏ। ਤੋ ਏਕ ਤਰਫ ਜਹਾਂ ਸੱਤਾ ਕੀ ਗੰਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਓ ਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਔਰ ਸੱਤਾ ਕਾ ਗੰਦਾ ਨਾਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵਹੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕੇ ਲੀਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬ ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਬਨੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ,
इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं आपके बीच में आया था, हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, दिल्ली में करके दिखाई है, झूठ नहीं बोलते। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे, दिल्ली में करके दिखाया है, हम झूठ नहीं बोलते। हमने कहा हम किसानों की बिजली माफ करेंगे, हमने कहा हम पुराने बिल माफ करेंगे। कल मेरी व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई, व्यापारियों को भी, व्यापारियों के साथ मिलके हम लोगों ने पंजाब के लिए खाका तैयार किया। आज एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी गारंटी देने के लिए मैं आया हूं, वो है स्वास्थ्य की गारंटी, स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी, हेल्थ की गारंटी, अस्पतालों की गारंटी। आज पंजाब के अंदर इतना बुरा हाल है, अगर आप बीमार पड़ जाओ और सरकारी अस्पताल में चले जाओ, पीजीआई छोड़ के सरकारी अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चले जाओ, आप इलाज, बिल्कुल इलाज नहीं मिलेगा आपको, तो आपको मजबूरी में प्राइवेट में जाना पड़ता है। जिसके पास भी बेचारे के पास दो पैसे हैं वो प्राइवेट में जाता है, और जब प्राइवेट में जाता है वहां पे बुरी तरह से लूट मची हुई है प्राइवेट अस्पतालों के अंदर। सरकारी अस्पताल में जाओ, वहां ना डॉक्टर मिलेगा, ना नर्स मिलेगी, ना दवाइयां मिलेगी, ना मशीनें काम कर रही हैं, दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आज से 7 साल पहले जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, दिल्ली में भी यही हाल था, सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, सरकारी अस्पतालों में बहुत बुरा इलाज था। 5 साल 7 साल के अंदर हमने दिल्ली के पूरे अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों की दशा बदली है। आज पंजाब के लोगों को, उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूं, 6 गारंटी। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है। मैंने 2 बातें कही हैं, मुफ्त और अच्छा। अगर मुफ्त कहो तो लोगों को लगता है कि मुफ्त चीज तो बेकार होती है। हमारा ये मानना है कि भगवान ने जितनी मुफ्त चीजें दी है वो सारी, हवा मुफ्त दी है, हवा के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते। हमारा मानना है कि जो मुफ्त चीजें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं और उनको अच्छा करके दिखाएंगे हम। तो मुफ्त और अच्छा इलाज, अच्छा इलाज ऐसा कि आप प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पे आपको इलाज मिलेगा। दूसरी गारंटी, 7 दवाइयां, 7 टेस्ट, 7 इलाज, 7 ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त होगा। दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में अच्छा इलाज भी दे रहे हैं, मुफ्त इलाज भी दे रहे हैं, और आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, महंगी से महंगी दवाई, अगर कोई इंजेक्शन आपका 10,000 रुपए का भी आता है, मुफ्त मिलता है आपको दिल्ली के सरकारी अस्पताल के अंदर। आज पंजाब के अंदर अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाओ, दवाइयां मिलती हैं? नहीं मिलती। डॉक्टर एक पर्ची पे लिख देता है, कहते हैं बाहर से ले लेना दवाई। दवाइयों की खिड़की खुलती नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर सरकारी अस्पताल के अंदर 7 दवाइयां मिलेंगी, दवाइयों की खिड़की खुलेगी। हम इंश्योर करेंगे कि 7 दवाइयां मिलनी चाहिए। आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई मशीन काम नहीं करती, एक्सरे की मशीन काम नहीं करती, या तो मशीनें है ही नहीं, और या मशीनें काम नहीं करती, या मशीनें चलाने वाले नहीं हैं। दिल्ली में भी यही हाल था, आज दिल्ली के अंदर 7 मशीनें हैं
मशीनें काम करती हैं और मशीन चलाने वाले भी हैं। पंजाब के भी सारे अस्पतालों के अंदर दवाइयां भी फ्री मिलेंगी, सारी मशीनें भी चालू होंगी, मशीनें होंगी और मशीनें चालू होंगी। अगर किसी का 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का भी ऑपरेशन है, सरकारी अस्पताल के अंदर वो फ्री किया जाएगा। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो अब उसके इलाज के खर्चे की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके अच्छे इलाज की अब आपको पंजाब में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बहुत सारे लोग पंजाब से दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनका भी इलाज मुफ्त होता है दिल्ली के अंदर, लेकिन अब आपको पंजाब से दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंजाब के अंदर आपका अच्छा इलाज होगा, ये हमारी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी, हर पंजाब के व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अंदर उसकी सारी जानकारी होगी, उसका एक्सरे, उसकी एमआरआई रिपोर्ट, उसको इतनी सारी रिपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सारी कंप्यूटर पे होगी। वो बस अपना एक हेल्थ कार्ड लेके, हर आदमी, आपके परिवार में एक बच्चा है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, आपका माँ है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, पिताजी का अलग हेल्थ, हर एक बंदे को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा उसको अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। और सबसे शानदार, पूरे कंप्यूटराइज करेंगे सारे सिस्टम को जैसे दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, और उसके अंदर आपका हेल्थ कार्ड, आपका सारा डेटा कंप्यूटर पे होगा। चौथी चीज, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा। शहरों में हर वार्ड के अंदर एक अलग क्लिनिक बनाया जाएगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक और वार्ड क्लिनिक, 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। इस क्लिनिक में क्या होता है, मान लीजिए आपको खांसी हो गई, जुखाम हो गई, थोड़ा बुखार हो गया, तो आपको पीजीआई जाने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलते नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपको ये सारी रोजमर्रा की बीमारियों का इलाज, वहां पे आपके पिंड में मोहल्ला क्लिनिक होगा, वहां चले जाओ, वहां पे आपको इलाज मिलेगा। पांचवी गारंटी, जितने सरकारी अस्पताल हैं बड़े बड़े पंजाब के अंदर, उन सारे अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। दिल्ली में भी अस्पतालों की बुरी हालत थी, सारे अस्पताल हमने एयर कंडीशन्ड कर दिया। आप जाके देखो अब दिल्ली सरकार के अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशन्ड है, प्राइवेट अस्पतालों की तरह शानदार। ऐसे ही पंजाब के सारे बड़े सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा, वहां दवाइयां मिलेगी, वहां टेस्ट होंगे, वहां सारी मशीनें काम करेंगी, और बड़े स्तर के ऊपर नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। और छठी और आखिरी गारंटी, दिल्ली में हमने योजना चालू की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने ऐलान किया है कि अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, जो उसको देखे उसको अस्पताल में एडमिट करा दो, चाहे बगल में जितना भी बड़े से बड़ा अस्पताल है, महंगे से महंगा अस्पताल है, आदमी की जान बचाना जरूरी है, उसमें जाके उसको एडमिट करा दो, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब के अंदर भी किसी का भी एक्सीडेंट होगा, रोड एक्सीडेंट किसी का भी होगा, उस रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को उसका पूरा का पूरा इलाज पंजाब सरकार कराएगी, उसको अपनी जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 गारंटी आज मैं पंजाब के लोगों को दे रहा हूं। मुझे बेहद खुशी है कि इतने मायूसी के माहौल में, इतने मायूसी के माहौल में जब इतनी राजनीतिक अस्थिरता है, एक आशा की किरण आम आदमी पार्टी के रूप में दिखाई देती है कि कम से कम एक तो पार्टी है जो पंजाब के लोगों की सोच रही है, उनकी बिजली की सोच रही है, उनकी हेल्थ की सोच रही है। यह मेरी आज की गारंटी थी। एक छोटी सी अनाउंसमेंट मुझे करनी है। आज सुबह सुबह लुधियाना के कुछ पत्रकार मुझसे मिलने के लिए आए थे,
और उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि आपकी सरकार सर बनना तय है, अगर आपकी सरकार बन जाए तो पूरे पंजाब में 3 शहर ऐसे हैं जहां पे प्रेस क्लब है, जलंधर, अमृतसर और चंडीगढ़। बोले जी बाकी शहरों में भी प्रेस क्लब बना देना। तो मैं आज आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी छोटे बड़े शहर है पंजाब के, सब जगह आपकी सुविधा के लिए प्रेस क्लब बनाए जाएंगे। ये भी गारंटी है। अब अगर आपके कोई प्रश्न है। मैं आपको एक, इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, एक मिनट सुन लीजिए जरा। इन्होंने पूछा है जी पैसा कहां से आएगा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, उदाहरण से आपको समझ आ जाएगा। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी थी पहली बार, मैं बता दूंगा आपको, सुनिए तो सही। जब हमारी सरकार बनी थी, हमने अपने मैनिफेस्टो में पहली बार नहीं डाला था कि हम फ्री करेंगे, इलाज फ्री करेंगे। हमने एक फ्लाईओवर बनाया, वजीरपुर फ्लाईओवर। वजीरपुर फ्लाईओवर बनना था 300 करोड़ का और बन गया 150 करोड़ का। वो 150 करोड़ बच गए एक फ्लाईओवर में। फिर मैंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, कैबिनेट मीटिंग में हमने तय किया भाई ये 150 करोड़ रुपया बच गया, इसका क्या करें। तो हमने कहा भाई एस्टीमेट बनाओ कि अगर हमें अपने लोगों की सारी दवाइयां और इलाज फ्री करना हो तो कितना खर्चा आएगा। तो पता चला, अफसरों ने एस्टीमेट लगाया, पता चला 150 करोड़ आएगा। एक फ्लाईओवर के बनाने की बचत में हमने पूरी दिल्ली का सारी दवाइयां और सारा इलाज मुफ्त कर दिया। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये जो जनता के काम है ना, इन कामों को करने में ज्यादा पैसा नहीं लगता। पैसा तब लगता है जब रिश्वतखोरी में और भ्रष्टाचार में सारा पैसा लूट लिया जाता है। ये जितना मैंने कहा है, ये सारा करने में कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो। जैसे मोहल्ला क्लिनिक का आप एस्टिमेट बना लो, 20 लाख रुपए का एक मोहल्ला क्लिनिक बनता है, 15,000 बनाएंगे आप, देख लो कितने लगेंगे। दवाइयां और इलाज मुफ्त करने में बहुत कम लगेगा। मैंने बताया दिल्ली का 200-250 करोड़ का टोटल पूरी दिल्ली का दवाइयों का बजट आता है, पंजाब का 300-350 करोड़ का हो जाएगा, 400 करोड़ का हो जाएगा, इससे फालतू क्या होगा। तो जो एक चीज मैं आपको कह दूं कि मैं जो कहता हूं सारा होमवर्क करके लाता हूं, इसमें मैं और भी बड़ी बड़ी चीजें कर सकता था। मैं वही चीजें लिख के लाया हूं जो मैंने दिल्ली में करके दिखाई है। अब पंजाब में और ज्यादा करेंगे तो दिल्ली वालों को जाके कहेंगे पंजाब में कर दिया, आप दिल्ली में भी करेंगे। एक और किसी है, एक मिनट, वो सीएम फेस पूछ रहे हैं उनसे बात, कौन है किस। हाँ समय आने पे सीएम फेस की अनाउंसमेंट भी होगी। भगवंत मेरा छोटा भाई है, ये जो आप अखबारों में कुछ कुछ छापते रहते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लो। भगवंत मेरा छोटा भाई है, एक सुनो तो सही यार, सुन तो लो, बात तो पूरी सुन लो। एक टाइम ऐसा था जब ये लाखों रुपए कमाता था अपना एंटरटेनमेंट शो वगैरह करके, उसने सब कुछ छोड़ दिया पंजाब के लिए। तब तो आम आदमी पार्टी में नहीं आए थे, कोई कैरियर बनेगा कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं था, पंजाब के लिए त्याग किया उसने। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, मैंने कई बार बोला है, कोई पद और उसके लिए नहीं आया, सब लोग समाज के लिए और देश के लिए आए हैं। समय आने पे मैंने बार बार बोला है आपको अच्छा सीएम देंगे, अच्छा फेस देंगे, कोई भी हो सकता है वो, अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। वो मेरे से पूछ रहे हैं क्या सिद्धू साहब पार्टी में आ रहे हैं, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है। कभी भी अगर कुछ ऐसा होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे।
कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों के बीच बंटी गई है। हुण यह कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं ते जिहड़े मौजूदा सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी वो खुद को आम आदमी करके प्रेजेंट कर रहे, मतलब जिहड़ा तुहाडा आइडिया आइडियोलॉजी है वो भी कितने हाईजैक हो रही है, तो तुम इस चीज़ का एनालिसिस किवें कर रहे हो? वो ये कह रहे हैं, प्रश्न ये है कि भाई चन्नी साहब हमारी नकल कर रहे हैं, यही कह रहे हैं आप। केजरीवाल की नकल करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। मैं एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूं। जब पहली बार मेरी 49 दिन की सरकार बनी, 49 दिन में 32 अफसरों को जेल भेजा था जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, हंगामा मच गया था दिल्ली के अंदर। आज मैं नहीं कह रहा, आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और दागी अफसरों को बड़ी से बड़ी पोस्ट दी जा रही है, अमल करना मुश्किल है। एक मिनट, मेरे एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे पास एक किसी ने ऑडियो टेप भेजी व्हाट्सएप पे, उसमें मेरा एक मंत्री दूसरे किसी बंदे से 5 लाख रुपए मांग रहा था। भाई साहब, 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने उस मंत्री को सस्पेंड कर दिया और सीबीआई को केस भेज दिया। आज आरोप लग रहे हैं कि चन्नी साहब के मंत्रिमंडल के अंदर दागी मंत्री हैं, उनकी पार्टी के अंदर दागी विधायक हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि केजरीवाल की नकल करने के साथ साथ उस पर अमल करने का साहस और हिम्मत लेके आइए। बोलिए। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर। बेरोजगारी को लेके हमने कई सारे कदम उठाए हैं। अगर मैं ये कहूं कि दिल्ली में बेरोजगारी खत्म हो गई, ये गलत होगा। लेकिन आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। अभी कोरोना के टाइम में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, बाजार बंद हो गए। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया कि जो जो लोगों को नौकरियां देनी है वो अपनी नौकरियां पब्लिसाइज कर दें, और जिन लोगों को रोजगार चाहिए वो उसके ऊपर अपना। आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने जब वो पोर्टल बनाया था दिल्ली सरकार ने, हमें लगा था कि अगर 25-30 हजार भी नौकरियां अगर आ जाएंगी तो हम मानेंगे कि बड़ी सफल हो गए। 2 महीने के अंदर 10 लाख नौकरियां उस जॉब पोर्टल के ऊपर आई। 2 महीने में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली। जितने लोगों की नौकरियां गई थी कोरोना के टाइम में, बहुत सारे लोगों को नौकरियां वापस मिली। हमने ढेरों स्कूल बनाए हैं, ढेरों मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। वहां पे हम लोगों ने हर बस के अंदर बस मार्शल नियुक्त किए हैं। इसमें इतनी नौकरियां निकली हैं, इतनी नौकरियां। हमने डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है घर घर के अंदर, हम इतनी नौकरियां निकली हैं। वो सारे काम पंजाब के अंदर भी किए जाएंगे, और मैं समझता हूं कि इससे पंजाब के बेरोजगारों को नौकरी मिलने में सुविधा होगी। और उसके पहले मैं कल भी मैंने कहा था, मैं चन्नी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि कैप्टन साहब ने प्रॉमिस की थी कि मैं हर एक को रोजगार दूंगा, उन्होंने कार्ड भी दिया था, आज तक बच्चे कार्ड लेके घूम रहे हैं। मेरी उनसे निवेदन है कि कैप्टन साहब के वादे को पूरा करें, हर बच्चे को नौकरी दें बेरोजगार को, और जब तक नौकरी नहीं मिलती वो बेरोजगारी भत्ता दें। 4.5 साल का दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था। दिल्ली का बजट जब हमारी सरकार बनी घाटे में चल रहा था। आज 2019 की सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें सीएजी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने बोला है कि पूरे देश में अकेली दिल्ली सरकार है जो घाटे में नहीं चल रही, नफे में चल रही है। एक मिनट सुन लो, नफे में चल रही है। कैसे किया हमने? हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली सरकार घाटे में चल रही थी, कर्जा चढ़ा हुआ था। आज दिल्ली सरकार पे 1 नए रुपए का कर्जा नहीं है, केवल और केवल एक चीज से, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, रिश्वतखोरी खत्म कर दी।
सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार लेके आइए, आप देखिए क्या से क्या हो सकता है। आखिरी क्वेश्चन बोलिए। मेरे को जिसके पास माइक है वो बोल दीजिए, कोई बोल दो कोई। किसने बोला है? एक मिनट, किसने बोला कि पंजाब के किसानों को दंडित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोला। आप दिखा दीजिए, एक मिनट, आप ये स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि आम आदमी पार्टी के किसी ने बोला मैं राजनीति छोड़ दूंगा। झूठ मत फैलाइए, गलत मत बोलिए। पत्रकार की जिम्मेदारी है जनता को सच बताना। अब मैं आपको बताता हूं, एक मिनट सुनिए मेरी बात। पराली को लेकर दिल्ली की सरकार ने समाधान दिया है, हमने एक बायोडिकम्पोजर बनाया है। जब पराली वो होती है तो किसान को अगली फसल लगाने के लिए उसको जल्दी होती है, उसको तीली लगा के वो जला देता है, उसकी मजबूरी होती है। किसान का कसूर नहीं है, कसूर सरकारों का है। सरकारें क्या कर रही थी? सरकारों ने समाधान क्यों नहीं निकाला? तो हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, वो राजनीति हम नहीं करते, हम समाधान की राजनीति करते हैं। तो दिल्ली सरकार ने अब एक घोल निकाला है, बहुत सस्ता घोल है। उस घोल को अगर आप पराली के ऊपर छिड़काव कर दो तो 15 दिन के अंदर पराली खाद में बदल जाती है। तो जो पराली समस्या थी वो पराली अब आपके लिए एसेट बन गई। इसको पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जिसके बड़े शानदार नतीजे आए हैं। अब उसकी घोल की खूब डिमांड है। दिल्ली सरकार अपने सारे किसानों के यहां उस घोल का छिड़काव फ्री में कर रही है। पंजाब सरकार भी कर सकती है। तो अगर पंजाब के अंदर सरकार बनती है तो वो छिड़काव हम सारे किसानों के खेत में फ्री में करेंगे, किसानों को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सारी पराली खाद में बदल जाएगी, आम के आम गुठलियों के दाम। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।